भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, एक ये मैसेज हमारे पास सरोजनी गुप्ता बहन जो लखीमपुर से आती हैं उन्होंने किया है और ये फोटो हमको भेजी है। और फोटो में आप देख सकते हो, ये आपका नया पोषाहार है। कुछ इस तरीके के पैकेट आप सबको अब आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश की बहनों, आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो दलिया मूंग दाल खिचड़ी लिखा हुआ है, आटा बेसन बर्फी और दलिया मूंग दाल खिचड़ी, और आपका यहाँ पर आटा शायद बेसन हलवा। तो जो भी है, इस तरह से आप लोगों को हलवा वाले 2 पैकेट टाइप के, खिचड़ी वाले भी जो है 2 तरह के, और बर्फी वाले 2 तरह के, तो 6 तरह का आप लोगों को पैकेट देखने को मिलेगा। लाभार्थी वाइज अलग अलग है, तो आप देख सकते हैं 2-2 तरह का पैकेट देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर 3 तरह की दरअसल चीजें हैं, एक हलवा वाला, एक खिचड़ी वाला और एक जो है बेसन बर्फी वाला। तो ये चीजें आप लोगों को जल्दी देखने को यूपी में मिल जाएंगी। लखीमपुर से जो बहन है उन्होंने जानकारी ये वाली भेजी। अभी बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ट्वीट किया है उसका जवाब आप सब कमेंट में जरूर देना, अपनी जो राय है उसको भी देना। इनका कहना है कि सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम लेने पर श्रमिक को करना होगा 2 गुना भुगतान। तो सरकार तो ये कह रही है कि हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम अगर कोई लेगा तो उसको 2 गुना पारिश्रमिक जो है यहाँ पर देना जो है पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सरकार आखिर ये 2 गुना पारिश्रमिक क्यों नहीं दे रही आंगनबाड़ी बहनों को? तो 48 घंटे से ज्यादा काम जो है 7 दिनों में करवाया जा रहा, तो उनको फिर 2 गुना पारिश्रमिक उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे रही? ऐसा बहनों का सरकार से सवाल है। क्योंकि आप अगर अंदाजा लगाएं तो 6 दिन होते हैं सप्ताह में वर्किंग डे, ठीक। अब 6 दिन में आपका जो है 1 दिन में 8 घंटे हो गए, ठीक, 1 दिन में 8 घंटे हो गए। तो इस तरह से आपके 8 को 6 से गुणा करोगे तो 48 हो जाएगा। तो 48 घंटे सरकार काउंट करती है कि प्रति सप्ताह जो है यहाँ पर काम, और इससे ज़्यादा अगर कोई काम ले रहा है, जहाँ कहीं भी कोई कार्य कर रहा है, तो उसको 2 गुना पैसा देना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार बताए कि आंगनबाड़ी बहनों से कितने घंटे काम लेती है और उसका कितना पैसा देती है। अब डबल डबल बहनों पर डबल डबल केंद्रों का भार क्या वो उतने समय में कर पाएंगी? उसके लिए तो अलग से समय लगेगा। क्या उनको डबल पैसा गवर्नमेंट दे रही, या फिर 8 घंटे से ऊपर ही, यानी 8 घंटे से ऊपर ही डेली बहनों से काम लिया जा रहा, क्या उसका सरकार डबल डबल पेमेंट दे रही? तो आप सब कहेंगे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। सुबह से जाओ स्कूल में पढ़ाओ, उसके बाद जाओ घर भ्रमण वाले कार्य करो, फिर कहीं और भी सरकार की तमाम योजना है वो वाले काम करो, कभी ये टैबलेट बांटो, कभी वो टैबलेट बांटो, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी जो है मीटिंग में जाओ, कभी यहां जाओ, और कभी जो है यहां पर बीएलओ के काम करो, कभी आधार कार्ड के काम करो। 75 काम सौंप दिए जाते, अब उसका गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। और प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पर भी अगर कोई कार्य कर रहा है या किसी के तहत कर रहा है तो उसके लिए सरकार ऐसे फरमान जारी करती, लेकिन स्वयं इन चीजों को लागू नहीं करती। अच्छा होगा अगर सरकार पहले अपने जो है कर्मचारियों पर इन चीजों को लागू कर दे, तो बाकी जो है प्राइवेट सेक्टर में भी इसका असर देखने को मिल जाएगा। कारखानों व अधिष्ठानों के कर्मचारियों को नई नियमावली मंजूर, इस तरह से होटलों, दुकानों, बारात घरों का अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं। तो ये खबर निकली है कैबिनेट के फैसले, आइए देखते हैं। यूपी में किसी कारखाने या अधिष्ठान में कर्मचारियों से 1 हफ्ते में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करवाया जाएगा। अगर इससे ज्यादा काम कराया जाता है तो हर अधिक घंटे के लिए सामान्य पारिश्रमिक का 2 गुना भुगतान करना होगा। ये शर्तें यूपी व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता नियमावली 2022 में जोड़ी गई है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में श्रम विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। नई संहिता नियमावली लागू होने से यूपी में पहले से चल रही 6 नियमावली समाप्त हो जाएंगी। इससे प्रभावित होने वाले सभी क्षेत्रों को नई नियमावली में ही शामिल करना होगा और नियुक्ति व परिचय पत्र होगा अनिवार्य। कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र व परिचय पत्र देना अनिवार्य बनाया गया है। 45 साल से अधिक उम्र के ऐसे कर्मचारी जो खतरनाक प्रकृति के काम में लगाए गए हैं उनका हर साल निःशुल्क हेल्थ चेकअप कराना अनिवार्य होगा। अभी कोरोना टाइम में आंगनबाड़ी वर्कर बहनों को गवर्नमेंट ने लगाया था, उनका क्या हर साल गवर्नमेंट चेकअप करवा रही है? एक ये भी सवाल है। दुर्घटना होने पर 24 घंटे के भीतर डीएम जो है एसपी या कारखाना इंस्पेक्टर को सूचना देनी होगी। कार्यस्थल पर हेल्थ कंडीशन वगैरह को बेहतर वगैरह करने के लिए सुझाव के लिए श्रम मंत्री की अध्यक्षता में राज्य व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य
सलाहकार बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। कारखाना और अधिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का पूरा ब्यौरा इस बोर्ड को देना होगा और 12 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं। नियमावली के अनुसार किसी भी कर्मचारी की कार्यावधि एक दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं हो सकेगी। इसमें उसके रेस्ट या लंच ब्रेक का टाइम भी शामिल है। हर 5 घंटे वगैरह पर आधे घंटे का ब्रेक देना होगा। छुट्टी के दिन काम लिया है तो उसके बदले किसी और दिन छुट्टी देनी होगी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो संडे के दिन भी काम करवाती है क्या उसके बदले छुट्टी देती है कर्मचारियों को? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कर्मचारी खुद ही अपनी सरकार से कहना चाहेगा, उनको जो सरकार गवर्नमेंट होकर के नहीं दे पा रही है तो प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट फिर कैसे उम्मीद लगा सकती है। सप्ताह में एक दिन सवैतनिक छुट्टी भी अनिवार्य ही जो है की गई है। महिलाओं को बिना किसी सहमति के नाइट ड्यूटी पर नहीं रखा जाएगा, तो फिर किस आधार पर तमाम राज्यों में बहनों को नाइट ड्यूटी में लगाया जाता है? अभी आपने देखा था आंगनबाड़ी वर्कर को ही कई जगह नाइट ड्यूटी में लगाया गया था, कई ऐसे कार्यक्रम हुए जहां पर नाइट ड्यूटी में उनको लगाया गया जबकि वो कार्य उनके क्षेत्र के हैं ही नहीं, और फिर भी गैर विभागों में या गैर कोई भी कार्यक्रम होता है वहां पर उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। अब लिखा है उनकी सहमति के नाइट ड्यूटी नहीं जो मतलब नहीं रख सकते हैं, और जहां 250 से अधिक कर्मचारी हैं वहां सेफ्टी कमेटी का गठन होगा, सेफ्टी अफसर भी वहां पर रखा जाएगा। प्रवासियों को देना होगा यात्रा भत्ता। ऐसे कारखाने जिसमें प्रवासी काम कर रहे हैं वहां साल में 6 महीने से अधिक काम करने वाले प्रवासियों को यात्रा भत्ता देना होगा। यह रकम बैंक अकाउंट में दी जाएगी और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी कामगारों को राशन कार्ड सहित अन्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसी तरह ऑडियो विजुअल से भी जुड़ी सेवाओं में जो है कर्मचारी और उनके नियोक्ता के बीच में विवाद में समाधान के लिए ये सब चीजें होंगी। तो आप देख रहे हैं यूपी में अब दुकानों कर्मशाल संस्थानों और आपके मसलन होटल सिनेमाघर बारातघर आदि पर जो है हर 5 साल के बजाय वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फीस जमा करनी होगी, या फीस 5 साल की फीस की तुलना में 15 गुना होगी। यूपी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जिन दुकानों या कमर्शियल प्रतिष्ठानों में कोई कर्मचारी नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर चीज आप देख सकते हैं, ये कुछ फैसले हैं जो यूपी में हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगले एक लेटर की जो कि मुजफ्फरनगर में उपजिलाधिकारी जो खतौली के आते हैं उन्होंने 3 अगस्त को एक लेटर निकाला। इस लेटर में कहा है कि बीएलओ सुपरवाइजर्स के द्वारा निर्वाचन कार्य करने के दौरान विद्यालय में उनकी अनुपस्थिति दर्ज न किए जाने के संबंध में है। तो 1 अगस्त को अभी ये सब प्रारंभ हो चुका है जिसमें स्वैच्छिक रूप से लोगों के आधार कार्ड एकत्र किए जा रहे थे, तो उसी के बारे में ये सब था। यदि उपरोक्त आधार नंबर एकत्रीकरण हेतु बीएलओ सुपरवाइजर को घर घर भ्रमण करने हेतु विद्यालय समय से फील्ड में जाएं तो उन्हें अनुपस्थिति जो है यहाँ पर ना माना जाए। इस कार्य हेतु बीएलओ सुपरवाइजर को उपस्थित पंजिका में बीएलओ सुपरवाइजर कार्य हेतु लिखना होगा। यदि एक विद्यालय में 3-4 शिक्षक बीएलओ हैं तो वह आपस में वार्ता कर बारी बारी से अलग अलग दिन फील्ड पर कार्य कर सकते हैं। अब देखो गवर्नमेंट कह रही है शिक्षा जो है सुधर नहीं रही, शिक्षा कहाँ से सुधर जाएगी? अब अध्यापक से या पढ़ाने वाले जो भी हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर ही क्यों ना हो, वो भी एक तरह की शिक्षिका है, या आपके टीचर ही क्यों ना हो, अगर इन लोगों से काम इस तरह के करवाए जाएंगे तो फिर ये पढ़ाएंगे किस टाइम पर? अब ये तो फील्ड में ही घूमते नजर आएंगे, कभी जो है पन्नियां बीनेंगे, कभी कुछ और करेंगे, कभी कांवड़ियों के पैर धुलेंगे। तो यही सब चीजें इनसे करवा लो या तो फिर अच्छी शिक्षा दिला लो, तो जो एक ही काम करवा सकते हो एक टाइम पर। तो इसीलिए शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों की बस से बदतर होती जा रही है। सुविधाएं बढ़ रही हैं लेकिन जब पढ़ाने वाला जो गुरु है अब उसी को आपने जो है किसी और काम में शुरू कर रखा है तो फिर गुरु आखिर क्या करेगा? तो आप सोचिए इन चीजों पर और अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इधर बात करते हैं यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो आपके अयोध्या के हैं और उन्होंने यहां पर 26 जुलाई को एक लेटर निकाला था। इस लेटर के मुताबिक आपको बता दें कि 2022 और 23 के लिए कन्वर्जेंस के माध्यम से निर्मित होने वाले जो आंगनबाड़ी केंद्र भवन हैं उनके निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहां पर निर्देश दिए गए। जैसे पहला निर्देश आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए उपयुक्त जो भूमि है न्यूनतम 650 वर्ग फीट होनी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र हेतु भूमि का प्रस्ताव प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक विद्यालय के परिसर में हो और भूमि किसी भी प्रकार से विवादित ना हो एवं भूमि गड्ढे में ना हो, ठीक इस तरह से। अब देखिए आंगनबाड़ी केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कन्वर्जेंस के माध्यम से निर्मित होने वाले केंद्र भवन निर्माण के लिए यहाँ पर भूमि के प्रस्ताव के बारे में ये सब बोल रहे हैं कि जल्द से जो है इसको प्रेषित करें निर्माण के लिए। लेकिन ये प्रमोद कुमार सिंह जी डीपीओ अयोध्या के उन्होंने लेटर निकाला, ऐसे शासन से आया आप लोगों का लेटर पहले दिखा
जा चुके हैं। अब इन चीजों के बावजूद भी अभी तक जो है निर्माण कार्य तेजी से नहीं हो रहा है और शायद ये मैटर आगे नहीं बढ़ाए जा रहे। काफी बहनें अभी भी संचालन जो है अपने वही जो है कभी किराए के भवनों में कर रही हैं, तो कहीं ऐसे ही जो है रहमो करम पर जी रही हैं बेचारी, तो इस तरह से खुद के भवन उनको नहीं मिल पाए हैं। तो फिलहाल के लिए इन कामों में थोड़ा सख्ती बरती जाए और ताकि जल्द से जल्द बहनों को उनके जो है खुद के जो है भवन मिल जाए। उम्मीद करते हैं आज दोपहर का वीडियो आप सबको पसंद आए।